आज हम सीखेंगे कि हम डेल्टा ए सीरीज एच एम आई के प्रोग्राम को बी सीरीज के एच एम आई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन एडिटर डेल्टा एच एम आई का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और ए सीरीज एच एम आई का प्रोग्राम ओपन करते हैं। ए सीरीज एच एम आई का प्रोग्राम ओपन हो गया है। अब हम एच एम आई का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में जाकर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करते हैं। ये है एच एम आई का मॉडल नंबर। अब हम इस प्रोग्राम को एक न्यू नाम से सेव कर देते हैं। अब हम डेल्टा डी ओ पी सॉफ्ट एच एम आई का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद हम ओपन पर क्लिक करते हैं और फाइल टाइप में ऑल प्रोजेक्ट फाइल सेलेक्ट करते हैं। अब हमने ए सीरीज एच एम आई का प्रोग्राम जिस नाम से सेव किया था उस पर क्लिक करते हैं। तो नीचे हमें एच एम आई का मॉडल नंबर और सॉफ्टवेयर का वर्शन शो करता है। अब हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। और अब हम न्यू एच एम आई का मॉडल नंबर सिलेक्ट करते हैं और ऑटो वार्प टेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं ताकि सभी टेक्स्ट ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाए। अब ओके करते हैं। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि जो ए सीरीज एच एम आई था वो ईथरनेट मॉडल का था, अभी हमने विदाउट ईथरनेट मॉडल सिलेक्ट किया है, इसलिए अब हम ईथरनेट मॉडल की एच एम आई सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। तो इस बार प्रोग्राम ओपन हो जाता है। अब हम एच एम आई का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में जाकर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करते हैं। ये है एच एम आई का मॉडल नंबर। हमारा प्रोग्राम बी सीरीज एच एम आई के लिए कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसे बी सीरीज एच एम आई में डाउनलोड कर सकते हैं।